हेलो गाइस, दिस इज एलीट ट्रेडर्स और आज हम बात करने वाले हैं एलएसी स्टैंड ऑफ 2020 की। एक ऐसा स्टैंड ऑफ जिसने न केवल इंडियन मिलिट्री का फोकस शिफ्ट कर दिया एक बहुत ही इग्नोर्ड लेकिन सबसे ज्यादा हॉस्टाइल थ्रेट की तरफ, पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया ने क्या गेन किया स्टैंड ऑफ में और क्यों ये मूव चाइना की अब तक की सबसे बड़ी गलती है। 1988-87 के सुमदरुंगचो के स्टैंड ऑफ और डिफीट के बाद चाइनीज ये तो समझ गए थे कि इंडिया अब 1962 की तरह एक वॉक ओवर तो नहीं रहा और ना इंडिया को पुश किया जा सकता है आफ्टर अ सर्टेन लिमिट। लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी 1988 में चाइना गए जस्ट आफ्टर द स्टैंड ऑफ, जबकि चाइनीज वांटेड टू मीट द मैन ऑफ द आवर जनरल सुंदर जी, जिन्होंने 1987 के स्टैंड ऑफ में चाइनीज को डिफीट और सरप्राइज दोनों कर दिया था। राजीव गांधी की विजिट में कुछ एग्रीमेंट्स तय हुए जिन्हें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स या फिर CBM कहा गया। इन 1993 अनदर लेट PM नरसिम्हा राव ने भी ट्राई किया LAC पे हॉस्टिलिटी खत्म करने का, क्योंकि छोटी मोटे स्टैंड ऑफ और इंट्रूजन होते ही रहते थे। इसमें भी कई CBMs बनाए गए जिसमें प्रायर इन्फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज इन एरिया क्लोज टू LAC और नो फ्लाई जोन फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट विद इन 10 kilometers ऑफ LAC जैसे एग्रीमेंट शामिल थे। ये एग्रीमेंट कुछ ही समय के लिए काम आए क्योंकि दोनों ही फोर्सेस अपनी अलर्टनेस बरकरार रखी थी। इसी समय में जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ने स्लो प्रोग्रेस दिखाई, पर भारत ये जानता था कि ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। 2013 में जी जिनपिंग प्रेसिडेंट बने और वो इंडिया का स्टांस चेक करना चाहते थे LAC पे, इसलिए 2013 और 14 में दो अलग अलग समय पर दो इंट्रूजन कराए। 15 मई 2013 को डेवसांग प्लेन्स में और 2014 में चुमार में। चुमार वाला इंसिडेंट तब हो रहा था जब न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी शी जिनपिंग से मिल रहे थे। अरुणाचल में भी कई इंट्रूजन्स की खबर आई। फिस्टेल 1 और फिस्टेल 2 में काफी एक्शन देखने को मिला। ये दोनों अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली और लोअर दिबांग वैली में पड़ते हैं। आप में से कई लोग शायद फिस्टेल्स का नाम पहली बार सुन रहे होंगे। उसके बाद होता है डोकलम इन 2017, जिसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में समझाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फिर आता है 2020 का गेम चेंजिंग स्टैंड ऑफ। सबसे शुरुआती एनालिसिस के हिसाब से चाइनीज काफी इरिटेटेड थे इंडिया के कुछ डिसीजन से, जो इंडिया के ईस्टर्न सेक्टर का स्टेटस को बदल रहा था और चाइनीज डोमिनेशन को सीधा चैलेंज कर रहा था। उन डिसीजंस में से चाइनीज को सबसे ज्यादा परेशान किया 5 अगस्त 2019 को हुए आर्टिकल 370 और 35A के अमेंडमेंट्स ने, जिसमें लद्दाख को इंडिया ने यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। और ये तो मानो चाइनीज के जले पे नमक था, क्योंकि इंडिया का ईस्टर्न बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रश देखने लायक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर ये दुनिया के सेकंड मोस्ट पावरफुल देश और वन ऑफ द रीजनल सुपर पावर के लिए बड़ी शर्म की बात है कि वो महज कुछ रोड से इतना डर गया, जबकि वो रोड वो नेबर बना रहा है जो कि कभी हॉस्टाइल नहीं होता जब तक पोक ना किया जाए। फिर कुछ एनालिस्ट ने ये भी अजम्पशन लगाए कि चाइना लद्दाख को एक्टिवेट करना चाहता है ताकि इंडिया इंडो पैसिफिक में बढ़ रही अपनी कैपेबिलिटीज से ध्यान हटा के इस तरफ फोकस कर दे। और कुछ का ये कहना है कि चाइनीज अपनी इंटरनल इनस्टेबिलिटी को छिपाने के लिए और दुनिया का ध्यान COVID-19 और उसमें उसके रोल के ऊपर से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए ये कर रहा है। क्लेम्स तो यहाँ तक होते आए हैं कि शी जिनपिंग ने अपनी आर्मी, जो कि बेसिकली एक आर्म्ड पॉलिटिकल विंग है CCP की, जिसे पीपल लिबरेशन आर्मी या फिर PLA कहा जाता है, उस पर से कंट्रोल खो दिया है। लेकिन आज तक इस बात का कोई स्पेसिफिक रीजन सामने आया नहीं। ये स्टैंड ऑफ पहले एक छोटी सी स्क्रिमिश की तरह दिखता था, लेकिन 5 मई को जब चाइनीज और इंडियन सोल्जर पेंगोंगसो के किनारे एक दूसरे से भिड़ गए, दोनों तरफ काफी इंजरीज हुई। और 8 मई को सिक्किम में एक फेस ऑफ हुआ जिसमें एक जूनियर इंडियन ऑफिसर ने चाइनीज मेजर की नाक तोड़ दी पंच मार के। इट इंस्टेंटली बिकम द हेडलाइन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जून में चीजें और बिगड़ी जब दोनों कंट्रीज ने सोल्जर्स डिप्लॉय करने शुरू कर दिए। चाइनीज उस समय अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन कर रहे थे फिंगर 4 के पास। और फिर होता है गलवान। जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा है उसे गलवान की सारी अपडेट्स रियल टाइम में मिल रही थी। गलवान न केवल स्टैंड ऑफ को पूरी तरह से बदल देता है बल्कि इंडो चाइनीज मिलिट्री और डिप्लोमेटिक रिलेशन को भी हमेशा के लिए बदलने वाला था। गलवान में इंडियन आर्मी कैसे लड़ी और उस रात क्या हुआ, इस पर एक अलग वीडियो बनाना होगा, नहीं तो उस ब्रेव फाइट के लिए जस्टिस नहीं होगा। गलवान ने एक्चुअली चाइनीज को बहुत शॉक और डर में डाल दिया था, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने इतनी कैजुअलिटीज 1971 के कोरियन वॉर में ही सफर की थी, जबकि इंडियन आर्मी कॉन्टिन्यूसली ऑपरेशन पवन, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में लड़ रही है और उन्हें खून खराबा देखने की आदत है। कैजुअलिटीज देखना किसी को भी अच्छा नहीं लगता और ये कोई प्राउड करने वाली बात भी नहीं है, पर कैजुअलिटीज किसी भी कंट्री या फौज की एबिलिटी को हाईलाइट करती है कि वो कितना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सह सकते हैं और वो कैसे रिएक्ट करते हैं उस इम्पैक्ट के बाद। इंडिया ऑनर्ड देयर फॉलन हीरोज, मेड वॉर मेमोरियल, सैंग सॉन्ग्स अबाउट देम एंड प्रोवाइडेड ऑल काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट एंड रिस्पेक्ट
पर चाइनीज ने 8 महीने बाद उनकी कैजुअलिटीज एक्सेप्ट की, वो भी 4, वो भी तब जब उनके सिटीजंस ने काफी आउटरीच किया चाइना में और चाइना के बाहर। ये दिखाता है उनके मॉरल वैल्यूज, और बिलीव करिए ये चीजें देश को और सबसे ज्यादा देश की फौज को मॉरल को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। और अब चाइनीज अपना इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर एक्टिवेट करते हैं। बाय द एंड ऑफ जून सैटेलाइट इमेजेस आना शुरू हो जाती है चाइनीज टेंट की, और चाइनीज क्लेम करते हैं कि वो अब यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। इंटरेस्टिंगली इस टाइम इंडियन डिप्लॉयमेंट की कोई भी इमेजेस नहीं आ रही थी, वो डिसएंगेजमेंट के बाद पब्लिक हुई। चाइनीज ये अच्छी तरीके से समझते हैं ऐसी इमेजेस इंडियन और इंटरनेशनल मीडिया में आग की तरह फैल जाएंगी और इंडियन गवर्नमेंट का प्रेशर में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सैटेलाइट इमेजेस ने चाइनीज को सोशल मीडिया पे तो जिताना शुरू कर दिया था, पर वो नैरेटिव को फोटोशॉप इमेज से ही कंट्रोल कर पा रहे थे, क्योंकि जब भी वीडियो सामने आ रहे थे उन वीडियोस में इंडियन ट्रूप्स चाइनीज को दबा के गोलगप्पे खिलाते दिख रहे थे। इस टाइम इंडियन आर्म फोर्सेस ने दिखाना शुरू किया उनकी असली लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटीज। इंडियन आर्मी ने चाइनीज डिप्लॉयमेंट को मिरर करना शुरू कर दिया था। ये सुनने में भले ही बड़ा आसान लगे, पर चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रोबस्ट था LAC के आसपास। इवन उनके पास रोड्स लास्ट बॉर्डर पोस्ट तक हैं, लेकिन इंडिया ने बिना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी डिप्लॉयमेंट वॉर लेवल पे कर दिया, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था इस टेरेन में। अ स्पेशल थैंक यू फॉर द लद्दाखी पीपल फॉर हेल्पिंग इंडियन फोर्सेस इन देयर डिप्लॉयमेंट। चाइनीज बहुत परेशान दिखे थे। फिर जुलाई आते आते इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्सेस की टीम और बोट्स पेंगोंगसो पहुंच के सिचुएशन कंट्रोल करने में लगी हुई थी। चाइनीज ऑब्वियसली प्रोपेगेंडा फ्यूल कर रहे थे, लेकिन इंडियन एजेंसीज लगातार इंटरनल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर रहे थे। एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट को ईडी ने अरेस्ट किया जो हवाला के थ्रू चाइनीज से पैसे ले रहा था। इसके साथ कई सर्विलेंस नेटवर्क्स एक्सपोज्ड हुए और डिस्ट्रॉय कर दिए गए। फिर आता है अगस्त, और इस मंथ इंडिया डिफेंसिव से पहली बार ऑफेंसिव पोजीशन लेता है इस पूरे स्टैंड ऑफ में। और आगे आप देखेंगे कि कैसे एक ऑफेंसिव पोजीशन लेते ही चाइनीज की हवा निकल जाती है। 29 अगस्त की रात इंडियन सर्विलेंस PLA के मूवमेंट ऑब्जर्व करती है चुशूल सेक्टर में। इससे पहले चाइनीज स्ट्रेटेजिक हाइट्स को कैप्चर कर पाते इंडियन आर्मी ने लाइटनिंग रिस्पॉन्स के साथ चाइनीज की इस हरकत को प्रियम्प्ट कर दिया, और ब्लैक टॉप, टेबल टॉप और गुरुंग हिल जैसे स्ट्रेटेजिक हाइट्स जो कि चाइनीज मोल्दो गैरिसन को सीधे सीधे इंडियन क्रॉस एयर में ले आती है, वहां पे कब्जा कर लिया। मैंने इस इंसिडेंट पे एक पूरा वीडियो बनाया है विद ऑल डिटेल्स जो आई बटन में आ रहा है, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वो आप देख सकते हैं। इंडियन आर्मी के ब्लैक टॉप कब्जे में करने के बाद मानो चाइनीज की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। धीरे धीरे इंडियन आर्मी ने फिंगर 4 में भी चाइनीज पोस्ट के ऊपर की हाइट्स पे इम्पॉसिबल जैसी चढ़ाई करके वेंटेज पोजीशन ले ली, जिससे चाइनीज पूरी तरीके शॉक हो गए थे। लेकिन ये इस पूरे स्टैंड ऑफ का सबसे इजी पार्ट था, क्योंकि अब विंटर्स आ रही थी और लद्दाख के विंटर्स बहुत ही अनफॉरगिविंग और ब्रूटल होती है। चाइनीज ये बात बहुत अच्छे से समझने वाले थे। जब चाइनीज की कैजुअलिटी बढ़ने लगी लद्दाख की बारबेरिक ठंड में, तो उन्होंने जल्दी जल्दी डिसएंगेजमेंट के लिए एग्री कर लिया। चाइनीज ने काफी होल्ड करने का ट्राई किया बाय मेकिंग हीटेड स्ट्रक्चर्स फॉर देयर सोल्जर्स, और वो हर 15 दिन रोटेट भी करते थे अपने ट्रूप्स को। पर ऐसा कहा जाता है कि लद्दाख के पहाड़ पूरी की पूरी सेनाएं खा जाते हैं। चाइनीज जितनी तेजी से अंदर घुसे थे उससे डबल स्पीड में बाहर जाना स्टार्ट कर दिया, और इंडियन आर्मी उन्हें उतनी तेजी से भागते हुए देख रही थी। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइव जो कि एक बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी है इस पूरे स्टैंड ऑफ को ट्रिगर होने की, वो अभी भी बहुत पेस से आगे बढ़ रही है। और इंडिया कॉन्स्टेंटली काफी रिमोट मिलिट्री और सिविलियन पोजीशंस को रोड से कनेक्ट कर रहा है। ये तब भी चल रहा था जब ये स्टैंड ऑफ अपनी पूरी हीट पे था, क्योंकि मई और जून में अराउंड 10,000 से 12,000 वर्कर को रीजन में ला के रोड्स बनाए जा रही थी। ये मूव एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था इंडिया की न्यू चाइना पॉलिसी का। सारे रोड में सबसे ज्यादा खास है ये रोड, इसे कहते हैं DSDBO या फिर दारबुक शौक दौलत बेग ओल्डी रोड। ये अराउंड 255 किलोमीटर की रोड है जो दारबुक गांव को शौक नदी के थ्रू सीधे दौलत बेग ओल्डी से जोड़ती है। आज से पहले इंडिया की कोई रोड LAC के इतने पास नहीं आई थी और इतने रोबस्टली नहीं बनाई गई थी। इस चीज ने चाइनीज को बहुत परेशान कर रखा है, करती रहेंगी आगे भी। DBO के लिए एक अल्टरनेटिव एक्सेस भी तैयार किया जा रहा है जो नॉर्थ ईस्टर्न लद्दाख में है और जो ले के थ्रू खालसा, ससोमा, ससेरला और मोरगो के थ्रू DBO को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। एक और बहुत ही सिग्निफिकेंट एक्सेस डेवलप किया जा रहा है जिसको कहते हैं मनाली लेह एक्सेस। इस रोड से अटल टनल के थ्रू मनाली और दारचा को कनेक्ट किया जाएगा, जो आगे चल के मनाली, दारचा, पदम से होते हुए नीमू में जाके मिलेगा। दारचा, पदम, नीमू एक्सेस न केवल लद्दाख को एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा, पर ये कारगिल जाने के लिए भी हमारी डिपेंडेंस जुजिला पास पे बहुत कम या फिर खत्म ही कर देगा। बाय द वे, जुजिला में भी हम एक टनल बना रहे हैं जो कारगिल को ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगी,
जो कि साल भर में सिर्फ 6 महीने ही एक्सेसिबल रहता था। हालांकि सेंड ऑफ का टाइम BRO ने भी जुजिला को रिकॉर्ड टाइम में ओपन कर दिया था, जो कि एक और अचीवमेंट था इंडिया के लिए। ये तो बात हो गई लद्दाख की। अगर अब आप पूरी LSE को स्ट्रेंथन करने की बात करें तो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोस अक्रॉस द LSE वो इस प्रकार है। इंडिया ने 7 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को 2015 में ऑपरेशनलाइज कर दिया था। इस दौरान कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से सियाचिन में भी ट्रूप्स की प्रेजेंस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है। चुशुल सेक्टर के बहुत पास न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को भी ऑपरेशनलाइज करके इंडिया ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को मेन लैंड से कनेक्ट करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ ब्रिजेस, बहुत सारी टनल्स और रोड्स और रेलवे प्रोजेक्ट्स वर्थ मोर देन 70,000 करोड़ रुपीज प्लांट और डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें से कई ऑपरेशनल हैं और बहुत सारे 2022 तक ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में 13 एयरपोर्ट्स को ऑपरेशनल किया गया है और अप्रॉक्स 3000 किलोमीटर की स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रूट्स को डेवलप किया जा रहा है। अब इस स्टैंड ऑफ में इंडिया ने क्या पाया और चाइना ने क्या खोया? चाइना ने स्टैंड ऑफ के थ्रू इंडिया को रियलाइज कराया है कि उनका असली दुश्मन आज के टाइम में कौन है, और हमारा फोकस शिफ्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। चाइनीज के इस मूव से इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर पुश को LSE के आसपास अनबिलीवेबल पुश मिला है। गलवान में पड़ी मार के बाद अपने वेस्टर्न थिएटर कमांडर्स को 4 बार चेंज करना ये शो करता है कि चाइनीज आर्मी अंदर से कितनी वीक है। पर अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, चाइना की इस इनसिक्योरिटी भरे मूव से चाइना ने LSE पे बने सारे एग्रीमेंट तोड़ दिए, जिनका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। PLA ने न केवल स्टेब्लिश्ड बॉर्डर प्रोटोकॉल को तोड़ दिया, पर ये सबने देखा कि उन्होंने कैसे स्टेटस को बदलने का ट्राई किया बाय स्टेब्लिशिंग सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर एंड कैंप्स क्लोज टू और अक्रॉस देयर ओन क्लेम लाइन। इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू मी, अगर इंडिया चाइना के बीच में कोई भी लड़ाई होती है तो ये सब बातें चाइनीज पोजीशंस को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली हैं, और इंडिया कोई कसर नहीं छोड़ेगा इन्हें मिलिटरीली सबक सिखाने में और डिप्लोमेटिकली सरेंडर करवाने में। पर इसका ये मतलब नहीं है कि चाइनीज को लाइटली लिया जाए, बिकॉज सूनर और लेटर वी आर लुकिंग एट अनदर कॉन्फ्लिक्ट इन नियर फ्यूचर, एंड दिस टाइम इट कुड बी एन आर्म्ड वन। ये सेंड ऑफ ने इंडिया को कई लेसन्स दिए, जिन्हें इन फ्यूचर सीरियसली नहीं कंसिडर किया गया तो वी माइट हैव टू पे अ वेरी हैवी प्राइस, बिकॉज वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इफ एवर टू टेक प्लेस विल बी अ डेलिबरेट वेल प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड डिसीजन, नॉट एन इम्पल्सिव एक्सीडेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसे लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। आप क्या सोचते हैं इस सेंड ऑफ के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक ट्रस्ट द फोर्सेस एंड एंजॉय द गोलगप्पेस। उसका मुंह देख ना, कोई नहीं पूछ नहीं सकता। गोलगप्पे खाएगा? कोई नहीं गोलगप्पे खाएगा। गोलगप्पे खिला दिए ना। ओके, रिलैक्स। चुप चुप, कोई नहीं।